गाजियाबाद में ब्लेड मैन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये कुछ ही दिनों में दो युवतियों को अपना निशाना बना चुका है। ऐसा ही एक मामला नंदग्राम इलाके से सामने आया है, जहां ब्लेड मैन ने 9वीं क्लास की छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी कि तभी रास्ते में ब्लेड मैन ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। मैं जब मट्ठा लेने जा रही थी तो दुकान के सामने एक लड़का खड़ा था और वो मुझे घूर घूर के देख रहा था, तो इसीलिए मैं दूसरी साइड को गई थी। तो जब मैं दुकान से बाहर निकली ना मट्ठा लेके, तो उसने एकदम से कुछ मार दिया और फिर मैंने मुड़ के देखा तो एकदम से वो भाग गया था। 4 दिन पहले भी इस ब्लेड मैन ने विजयनगर में एक घर में घुसकर महिला को ब्लेड मारा था और उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस मामले को लेकर खामोश रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस मामले को लेकर भी खानापूर्ति करेगी या फिर कार्रवाई कर ब्लेड मैन को गिरफ्तार करेगी। न्यूज़ ब्यूरो।